दुनिया में रोज बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले जाते हैं या नौकरी पाने के लिए कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिलती है और कुछ को नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो नौकरी न मिलने पर खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचते हैं। इन्हीं लोगों में से एक जुनूनी, मेहनती, काम करने के लिए एक हद तक पागल व्यक्ति का नाम जैक मा है, जो चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक है। जैक मा की इस सफलता के पीछे का राज उनकी मेहनत है। जब वे 13 साल के थे तभी उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दी थी। ऐसा चीन में कम ही लोग करते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया था, बल्कि वे टूरिस्ट गाइड बन गए थे और टूरिस्टों को घुमाने के दौरान वे अंग्रेजी में बोलते थे। उन्होंने यह काम करीब 9 साल तक किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस दौरान उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखी बल्कि पश्चिमी लोगों के तकनीक और स्टाइल को भी सीखा। बिजनेस की शुरुआत। जैक इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस करने से पहले एक ट्रांसलेशन कंपनी चलाते थे, जिसके बाद वे अमेरिका गए और वहां उन्होंने इंटरनेट देखा और उन्होंने सबसे पहला शब्द इंटरनेट पर बियर टाइप किया। उनके सामने कई देशों के बियर ऑप्शन दिखे लेकिन चाइनीज बियर नहीं दिखा। इसी उत्सुकता में उन्होंने बाद में चाइनीज में होम पेज तैयार किया। जैक ने सबसे पहले चाइना पेजेस नाम की इंटरनेट कंपनी बनाई। इस कंपनी को शुरू करने के लिए जैक ने अपनी बहन से पैसे उधार लिए थे, लेकिन यह कंपनी फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम किया और कुछ दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद वे अपने घर हैंजू चले गए और वहीं अलीबाबा की शुरुआत की। अलीबाबा कंपनी की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने अपना IPO 4,080 रुपए $68 पर पेश किया था और मार्केट खत्म होने पर इसकी कीमत $5,711.9 हो गई थी। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है। उनकी निजी संपत्ति की कीमत करीब 1,30,800 करोड़ रुपए है। चीन के सबसे अमीर इस व्यक्ति ने एक वक्त ऐसा भी देखा था जब उन्हें KFC ने नौकरी देने से मना कर दिया था। अभी की हकीकत यह है कि Alibaba.com के नाम से मशहूर यह कंपनी दुनिया भर के 190 कंपनियों से जुड़ी हुई है। Alibaba.com वेबसाइट के अलावा Taobao.com चलाती है, जो चीन की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है। इसके अलावा चीन की बड़ी जनसंख्या को इनकी वेबसाइट mall.com ब्रांडेड चीजें मुहैया कराती हैं। यही नहीं, चीन में ट्विटर जैसी सोशल मीडिया सेना वाइबो में भी इस कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके साथ ही यूट्यूब जैसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूकुटूडो में भी इसकी अहम हिस्सेदारी है। ये कंपनियां मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्टिक सेवाएं देती हैं। अलीबाबा कंपनी के शुरुआती दिनों में सिर्फ 18 लोग काम करते थे और अभी करीब 22,000 लोग काम करते हैं। जैक के बारे में उनकी पत्नी जैन यंग का मानना है, जैक हैंडसम नहीं है, लेकिन मुझे उनसे इसलिए प्यार हो गया क्योंकि वे ऐसे कई काम कर सकते हैं जो हैंडसम पुरुष भी नहीं कर सकते।